तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिर से हम लोग देखने वाले हैं मॉडल पेपर साइंस का 10th क्लास का सेट नंबर 6। दोस्तों, इससे पहले मैंने सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 5 तक वीडियो बना करके डाल दिया है। प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सबका लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं ना, वह मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर के साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि NCERT पैटर्न पर आधारित है। इसमें दोस्तों मैंने 40 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जो कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो दोस्तों गारंटी है कि आपके एग्जाम में 35 नंबर इस 40 प्रश्न में से गारंटेड आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब बनता है ना, वह दोस्तों किस में बनता है? समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में या फिर सभी में? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वास्तविक वस्तु जो होता है ना, उसका जो आभासी, जिसे कि हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं, वह जो प्रतिबिंब बनता है ना, वह सभी में बनता है। दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कहता है एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी है। यानी एक डायोप्टर जो होता है ना, उस लेंस की जो क्षमता होती है, उसकी जो फोकस दूरी होती है, वह कितना सेंटीमीटर तक होता है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जैसे 1 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर। तो डायोप्टर जो है ना, वह हमेशा मीटर को प्रदर्शित करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। दोस्तों, ठीक है, डायोप्टर उस लेंस की जो क्षमता होती है, जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, 1 मीटर होती है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं? किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे हुए दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फोर नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है ना, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? ये सभी को पता होगा, यानी कि लाल रंग का मैं चर्चा कर रहा हूँ और लाल रंग जो है ना, वह दोस्तों खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन कह क्या रहा है, ये जो क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य जो होता है ना, अधिकतम होता है, तो वह होता है लाल का। लाल का जो तरंग दैर्ध्य होता है ना, वह अधिकतम होता है, लेकिन इसी का अगर अपवर्तनांक पूछे तो आपको कहना है कि इसका अपवर्तनांक जो होता है वह कम होता है दोस्तों, और इसका विचलन भी जो होता है वह कम होता है। यानी कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है वह कम होता है, हमेशा याद रखिएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, किस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है, तो लाल के लिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? निकट दृष्टि दोष जिसको हो जाता है, उसमें किस प्रकार का लेंस लगाया जाता है, तो वह होता है अवतल लेंस। दोस्तों, निकट दृष्टि दोष कहे तो दोस्तों निकट दृष्टि में अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष कहे तो उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? यानी कोई एक ऐसा कुंडली है जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात जो किया जाता है, वह दोस्तों R = V / I के द्वारा किया
किया जाता है, यानी कि ओम के नियम से I समानुपाती भी होता है, यानी कि I बराबर जब समानुपाती हटता है तो बदले में भी बट्टा आर होता है। इसी आर को हम लोग चेंज कर देते हैं, आई को यहाँ और आर को वहाँ ले जाते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ना उसको देख लीजिए, ये होगा आर बराबर भी बट्टा आई, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी कुंडली का जो प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है वह इसी सूत्र से किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है, धातुओं में धारा का जो वाहक होता है धातुओं में वह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। परिपथ में विद्युत धारा की जो माप की जाती है ना वह दोस्तों किससे की जाती है, तो वह एमीटर से की जाती है। ठीक है, और परिपथ में विभवांतर की जो माप की जाती है वह वोल्ट मीटर से, और परिपथ में विद्युत धारा की जो माप की जाती है वह एमीटर से, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एमीटर को ए कहते हैं, एमीटर को ए कहते हैं, ऑप्शन इसका राइट आंसर है बी, लेकिन एमीटर को हम लोग सूचित करते हैं बड़ा ए से, कैपिटल ए से। ठीक है, इसलिए आप लोग आंसर ए नहीं समझिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है परिपथ में विद्युत धारा की माप जो की जाती है वह एमीटर से, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एमीटर को हम लोग ए से दर्शाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ए लिखा है। ठीक है, मैं फिर बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, विद्युत फ्यूज जो है ना वह विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो वह है दिष्ट धारा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर, काफ़ी VVI क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, यानी नीचे जो दिया गया है ना वह जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण जो है कौन नहीं है ये आपको बताना है, वह है नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है, तो वह है सौर ऊर्जा जो है ना वह आपका नवीकरणीय ऊर्जा है, बाकी ये सब अनवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अवकारक है, यानी जो नीचे दिया गया ना इसमें से कौन ऐसा है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि अवकारक है, तो वह ऑप्शन है H2, H2 है अवकारक। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, अवकारक उसे कहते हैं जिसमें, सॉरी दोस्तों, ऑक्सीकारक उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है, और अवकारक उसे कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन को मान देता है, पीएच का कौन सा क्षारक विलयन को मान देता है, क्षारक जो होता है ना वह दोस्तों आप लोगों के लिए 7 से ज़्यादा होता है, मैं यानी कि यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ग्राफ बता देता हूँ जो आपको जीवन भर याद रहेगा। 7 किसी भी तत्व का या किसी भी चीज़ का अगर पीएच मान 7 है तो वह उदासीन होगा, अगर 7 से ज़्यादा है तो वह क्षारक या क्षारीय होगा। ठीक है, अगर 7 से कम है दोस्तों, 7 से कम है तो अम्लीय होगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है क्षारक के बारे में, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 7 से ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर, 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही है, निम्नलिखित में कौन जो है वह सही है, तो दोस्तों इस तरह के सवाल में अगर सही गलत वाला बात आ जाए तो आपको हमेशा याद रखना है 10 जल होना जरूरी है, 10 जल होना जरूरी है, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर, 17 नंबर क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, कहाँ से निकाला जाता है, तो लाइकेन से निकाला जाता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, शुष्क बुझा हुआ यानी कि सूखा हुआ, शुष्क माने सूखा, सूखा बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, तो दोस्तों वह पदार्थ है विरंजक चूर्ण, जो कि शुष्क बुझा हुआ चूना से
क्लोरीन गैस पर जब प्रभावित किया जाता है तो विरंजक चूर्ण बनता है, इसे ही ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं दोस्तों। और विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है ना, वह होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है विरंजक चूर्ण को। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम क्लोराइड का जो pH मान होता है ना, वह लगभग कितना होता है? तो सोडियम क्लोराइड का जो pH मान होता है वह 7 होता है लगभग, क्योंकि सोडियम क्लोराइड को हम लोग नमक कहते हैं, जो नमक हम लोग खाते हैं, और नमक एक शुद्ध पदार्थ है, इसलिए उसका pH मान जो होगा वह 7 होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, यानी कि काफ़ी 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 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, वो होता है दोस्तों CuSO4 × 5H2O। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है क्यूप्रस सल्फेट इंटू 5H2O, यानी CuSO4 × 5H2O जो होता है वह नीला थोथा होता है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, यानी कि सोडियम और हाइड्रोक्साइड जो है ना वह जिंक से अभिक्रिया करता है, तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो वह उत्पाद का नाम है, कहता है सोडियम और जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? ये बनाता है दोस्तों Na2, ऐसे लिखना है Na2ZnO2 + H2O, Na2ZnO2 + H2O, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। पीतल है, पीतल जो है ना वह आपका क्या है? तो पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु है, इसलिए मैंने आपको इसमें ऑप्शन नहीं बताया। पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। ब्रोमीन अधातु की जो अवस्था होती है ना वह होता है द्रव्य। ब्रोमीन धातु की जो अवस्था होती है वह होता है द्रव्य, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, यानी कि 3 बंधन होते हैं, किसके होते हैं? ये आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तीन आबंध जो होता है ना वह हाइड्रोकार्बन है आपका C3H8। क्या होता है दोस्तों? C3H8, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ पे मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूँ। चीनी का जो रासायनिक सूत्र है ना वह है Co12-22-11। क्या है दोस्तों? चीनी का रासायनिक सूत्र Co12-22-11, यानी कि C12H22O11। Co12-22-11 चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? Co12-22-11 चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? Co12-22-11, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में जो है ना वह कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो वह होता है 2, क्योंकि हीलियम का परमाणु संख्या भी 2, तो उसका बाहरी कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संयोजकता किसे कहते हैं दोस्तों? तो संयोजकता भी यही है, यदि किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंतिम कक्षा में उपस्थित जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उसे ही हम लोग संयोजकता कहते हैं। फिलहाल यहाँ हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है ना वह कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, और ऑप्शन डी हो जाएगा सभी, यानी स्वपोषण के लिए सभी चीज की जरूरत होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, और मेरा एक ग्रुप है 10th क्लास के लिए जो 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उस ग्रुप में जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं हमेशा अपडेटेड रहता हूँ और टेलीग्राम पर तो रहता ही रहता हूँ, इसलिए दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। यदि आप लोगों को दोस्तों इस बार के एग्ज़ाम में 2022 में आपको अगर 95+
परसेंटेज लाना है तो आपको अभी से ही शुरुआत कर देना चाहिए। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो वह है मृतजीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है ना वह हरा होता है। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया जो होती है ना किस में होती है? यह जो क्रिया होती है वह आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह जो क्रिया होती है ना वह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है? यानी कि दोस्तों आयोडीन के कमी से कौन सा रोग हो सकता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। यानी ग्वाइटर भी हो सकता है, गलगंड भी हो सकता है, घेघा रोग भी हो सकता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हमें जो रोग होने की संभावना है ना वह दोस्तों सभी है, ग्वाइटर भी है, गलगंड भी है और घेघा भी है। यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्ट्रोजन प्रभावित होता है, यानी कि दोस्तों एस्ट्रोजन प्रभावित जो होता है ना वह अंडाशय के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण होता है ना वह आपको किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? घोंघा जो है ना वह किस समुदाय का प्राणी है? तो मोलस्का का प्राणी है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है? उभयलिंगी का मतलब ये हुआ जिसमें दोनों लिंग हो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, उसे हम लोग उभयलिंगी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है? तो वह है केचुआ। केचुआ जो है ना उभयलिंगी है दोस्तों, यानी स्त्री और पुरुष दोनों है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रागकोष जो होते हैं वह आपका प्रागकण होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो 23 जोड़े, और वैसे पूछा जाए कितना होता है तो 46 होता है। जोड़ा में पूछे तो 23, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखना चाहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जंगली जानवर उपभोक्ता की श्रेणी में रखना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखभाल होता है दोस्तों। चिड़ियाघर में अक्सर आप लोगों को जंगली जानवर के बीच में उपभोक्ता की श्रेणी में रखा गया है। निम्नलिखित में से किसे आपको उपभोक्ता की श्रेणी में रखा गया है? तो वह जंगली जानवर आपको उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है, इसका क्या मतलब है? जो मेन मतलब है ना वह आपका कम उपयोग, पुनः चक्रण,
पुनः उपयोग, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, उसके बाद हम लोग पीडीएफ के बारे में चर्चा करेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है, किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? ऐसा क्या कारण है जो प्राकृतिक जो संसाधन है ना, वह पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं, यानी कि शहरीकरण भी है और प्रदूषण भी है, यानी कि ऑप्शन सी जो है ना 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपको इसका पीडीएफ लेना है, प्रत्येक चैप्टर का जो मैं वीडियो बनाता हूं, अगर उसका आपको पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप लोगों को कुछ करना नहीं है, बिल्कुल फ्री में मिलेगा। बस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, टेलीग्राम का लिंक है उसको ज्वाइन करके, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है मैट्रिक विद्यार्थी 2022 करके, उसको आपको दबा करके और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमें भेज देंगे, आपको इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और टेलीग्राम से जैसे ही आप ज्वाइन होंगे ना, पहली बार में अगर आप ज्वाइन होंगे तो आप मुझे क्या करें, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमें ज़रूर भेज दें, और टेलीग्राम में जैसे ही आप जुड़ जाएंगे तो आपको इसका पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएगा। और समय समय पर जो मैं अपडेट लाते रहता हूँ उससे तो और भी आप परिचित हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो ये वीडियो था काफी इंपॉर्टेंट था। यदि आप इस 40 प्रश्न को ध्यान से देख लेते हैं ना, तो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। मेरा YouTube चैनल आपको तो पता ही है, #class10 नेम इज इनफ है। तो दोस्तों ज्यादा कुछ ना करते हुए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।